हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूँ ये बहुत सारी लेजर लाइट्स। इससे पहले मैंने आपको बिल्कुल ये बोला था कि क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि जिसमें हम काफ़ी सारी वैरायटीज को लाइट को रख के, यानी बेसिक से लेके, स्टार्टिंग से लेके बहुत ज़्यादा हैवी तक। और वहाँ पर भी देख लीजिए, वो है हमारी लेजर बार्स जो कि रखी हुई है। एग्जैक्टली मैंने अभी इसलिए बंद कराया, कैमरा है, डैमेज ना हो जाए। मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है आज की वीडियो। पूरा देख सकते हैं, पूरा माहौल बना रखा है हमने पीछे। और ये दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में सब इंजॉय कर रहे हैं हमारे आसपास में, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं इस लाइट को। तो वीडियो को एंड तक बने रहो। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी लेज़र लाइट्स हैं, मैं इनको बाहर निकाल चुका हूं, और यहां पे एक एक करके सारे मॉडल्स की मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। इससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे सबसे पहला मॉडल ये है SP02 ग्रीन। ये बेसिकली ग्रीन है। और यहां पे अगर मैं फ्रंट की डिटेल की बात करूँ तो SP लाइट प्रो लाइट यहाँ पर मैंशन है। ये प्रोडक्ट जो है वो ATI प्रो का है। और यहाँ से अगर मैं ये कंपार्टमेंट को लूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ग्लास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर साइड में लेज़र है। बेसिकली ये मिरर से जो है वो पास आउट होता हुआ बाहर आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। मिरर से ही जो है वो आपको इमेजेस जो है वो बनते हुए देखने को मिलती है, फिर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये माइक है, माइक LED एंड इमेंशन का जो है वो LED यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। मेटल पूरी यहाँ पे बॉडी रखी गई है। अगेन यहाँ पे इसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। खैर, ये जो डिटेल्स हैं वो किस काम आएंगे वो जब बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा तब आएगा। पूरा देख सकते हैं यहाँ पे CNC एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम, यानी पूरा ठंडा भी रहा है, मेटल बिल्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SP05 RGB है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी RGB सारे ही कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे SP प्रो लाइट और ATI प्रो की ब्रांडिंग, इसमें भी सेम वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो मिरर देखने को मिलता है, ये ग्लास देखने को मिलता है, और यहीं से आपको लेजर देखने को मिलेगी। ये भी सेम यहाँ पे पूरा मेटल बॉडी हो जाता है। और ये जो मॉडल हो जाता है वो होता है दोस्तों SP015 RGB है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है RGB की जो होती है। और हर एक कलर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे टॉप नोच मिलेगा इसमें। यहाँ पे अगेन जो कि है SP06 ग्रीन, अगेन यहाँ पे जब आप ग्रीन को जब चलाते हैं या फिर आप यूज़ में लेते हैं, तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ग्रीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी एक लेज़र में। तो ये ग्रीन हो जाती है। खैर, वो आपको टेस्टिंग पे मालूम चल जाएगा। ये भी पूरा मेटल बॉडी में दिया गया है। और यहाँ पे हमारे क्यूट सी, छोटी सी भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, जिसको यहाँ पे RGB चाहिए, यानी पावरफुल और RGB सारी फंक्शन चाहिए, तो ये है SP03 RGB। ठीक है ना, इसमें भी आपको सेम वैसे ही पैटर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल ये जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे ही यहाँ पे अगेन मेटल बॉडी और हाई क्वालिटी लेज़र के साथ में आते हैं। ये तो हो जाता है फ्रंट का डिटेल, भी मैं आपको बैक भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे लेज़र्स का बैक साइड, अगेन यहाँ पे जो कि लेज़र्स हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे जो कि बैक साइड है वो एक ही जैसा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि ये लेज़र्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ में यहाँ पे कंफर्टेबल है, यानी पेंगोलिंग जो कि सॉफ्टवेयर आता है ना वो इसके साथ में चलता है। और यहाँ पे आपको लेजर के साथ में ना ये चीज जो है वो मिलती है। ये बेसिकली है इसका, आप कह सकते हैं इसकी चाबी, या फिर ये इसके बिना ऑन नहीं होता, ये सेफ्टी फीचर आपको मिल जाता है, सेफ्टी के लिए मिल जाता है। तो ये लगता कैसे कि यहाँ पे आपने ये RJ45 कनेक्टर करा है, इसको बस यहाँ पे ना एक जैम्बर टाइप का बनाया रखा है, और ये की मिलती है, की को आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से डालना होता है, और यहाँ से आप इसको ऑन करते हैं तो ये लेज़र ऑन हो जाती है। तो यही सारी फंक्शंस देख सकते हैं, ये सारे फंक्शंस आपको ये इसमें मिल जाते हैं, इसके अंदर भी मिल जाते हैं, और वो वहाँ पर हमारी इसमें मिल जाती हैं। किसी में एक आदमी में जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, चाबी वही आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कि यहाँ पे जैम्बर होता है ना वो कुछ इस टाइप से मिलता है। ये देख लीजिए, यहाँ से ऐसा फिट हो जाता है, और ये चाबी जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे ईजिली लग जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। खैर, इसमें ये फंक्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये खो भी जाता है, तो ये आसानी से आप बना भी सकते हैं, और कहीं आपको इंटरनेट की, वाईफाई की शॉप पे ये इजीली मिल रहा था। लेकिन ये चाबी आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी है, और अगेन काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखनी है, ठीक है ना। और ये बाकी ये डिस्प्ले के साथ में आता है, इसमें आपको ये आउटपुट इनपुट, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। DMX से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। RJ45 का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये पावर कॉन
आपको मिल जाता है, सभी में आपको ये पावर कॉन मिलता है, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। यहाँ पे हुक दे रखा है, अगेन इनकी जो क्वालिटी है ना भाई जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिलती है, हर एक चीज़ में यहाँ पे फिनिशिंग दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक TFT कार्ड आपको देखने को मिलता है ना, ये देख लीजिए, ये TFT कार्ड आपको सभी में देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी TFT कार्ड है और इसके अंदर जितने हैं इसके अंदर प्रोग्राम सारे इसके अंदर डालक हैं। अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनमें ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव रहते हैं, सब में ही आपको यहाँ पे TFT कार्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो जाता है इसका बैक साइड और छोटी मोटी डिटेल, चलिए बाकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने देखे यहाँ पे ये 5 मॉडल्स जिसमें आपको RGB ग्रीन सारे ही मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 2 मॉडल्स ये हैं जो कि यहाँ पे ये रेड है, इसको हम कहते हैं लेजर बार्स। इन लेजर बार्स को बेसिकली ज़्यादातर जो है वो क्लब में हो गया, इंडोर में हो गया, ऐसी जगह पे ज्यादातर यूज में लिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से जो कि मार्जिन होता है ना, मार्जिन यानी ट्रस के साइड साइड में आप उसको लगाते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। और फॉग के अंदर इसका ना बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर मैं इनकी स्पेशल की बात करूं, 8 वाट यानी रेड वाली हो जाती है, हर एक पीस में 1-1 वाट का जो है वो यहाँ पे आपको लेजर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो कि मूवमेंट मिलता है दोस्तों, यहाँ पे अप डाउन और लेफ्ट राइट यानी चारों ही तरफ आपको जो है मूवमेंट मिलेगा। इसके अंदर भी यहाँ पे 1-1 वाट जो है वो यहाँ पे लेजर इस्तेमाल में लिया गया है रेड। और अगेन दोनों ही यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी है, इंडोर के लिए काफी अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो कंपनी ने लॉन्च करा है। बाकी यहाँ पे आउटडोर के लिए और इंडोर के लिए यहाँ पे अगर आपको सुपर डुपर प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे ये जो पीसेज आपको देखने को मिलते हैं तो इनमें से आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि जिसमें आपको वैराइटीज ऑफ लेजर लाइट्स मिले, तो ये है दोस्तों वैराइटीज ऑफ लेजर लाइट्स जिसमें आपके पास मूविंग बार्स और यहाँ पे हल्के से लेके यहाँ पे भारी सारे ही मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। इससे ऊपर भी अगर आप चाहिए तो यहाँ नीचे मैं नीचे जो है वो वीडियो डाल दूंगा, 20 वाट ग्रीन या 30 वाट तक भी यहाँ पे आपको लेजर्स मिलती हैं। और अगेन ये सारी की सारी जितनी भी ये नीचे रखी है 5, ये टोटल सॉफ्टवेयर के साथ में ऑपरेट होती हैं। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पर, वो भी मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप इसको जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ में कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। अगेन चलते हैं अभी हम आउटडोर में ऊपर चलते हैं और इनकी देखते हैं टेस्टिंग कैसे रहने वाली है इनकी टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए हमेशा से मैं यहाँ पे खुले मैदान में यानी खुले में ही चेक करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो कि लेजर्स हैं वो सारी एक साथ लगा दिए हैं भाई, और मज़ा भाई x5 नहीं, यहाँ पे वो 7 भी है तो 7 हो जाएंगे। खैर उसमें से मैं एक को बंद रखूँगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे मेरे कैमरा को डैमेज हो सकता है। आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना भाई कभी भी यहाँ पे लेज़र के सामने अपना फ़ोन या DSLR ऐसी कोई भी चीज़ मत लेके आना, नहीं तो फिर भाई अच्छा खासा चपत लगने वाला है। बात करता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सारे ही मॉडल्स को एक के ऊपर एक रख के, अगेन स्पेस की कमी थी, थोड़ा सा हाइट पर रखना था क्योंकि अगर मैं नीचे मारता तो फिर अजीब सा लगता। ऊपर कर रहे हैं हम ये सारी टेस्टिंग सेफ्टी को देखते हुए। तो यहाँ से अभी देख लीजिए सब कुछ सारे ऑन कर लेता हूँ, पावर हमें यहाँ पर लगा चुके हैं, ये यहाँ से फटाफट से सारी ही लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। और इन लाइट्स के अंदर जैसे कि मालूम है आपको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट्स हैं, तो इनमें सेफ्टी फीचर भर भर के दिए गए हैं, वो मैं आपको सबसे पहले गिना दे रहा हूँ सेफ्टी फीचर कैसे हैं। यहाँ पे एक तो आपको ये जैम्बर मिल जाता है, ये होता है आपका RJ45 कनेक्टर के अंदर, ये आपको एक जैम्बर होता है बेसिकली कनेक्शन, आपको 7 और 8 पिन के अंदर आपको ये टच करना पड़ता है और यहाँ से आप लगाएंगे। और ये होती है इसकी की जो रहती है वो सभी के ऑलमोस्ट सेम की है, तो ऐसे ही सारा ही फंक्शन करेंगे। इसमें आपको ये जितने भी हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे RJ45 कनेक्टर यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाया हमने, यहाँ पे भी लगाया है, और ये की सारे में ही आप देख सकते हैं सब में ही मिलेंगे, ठीक है ना। अभी चलिए मैं एक एक करके ना इसको ऑन करता हूँ और पीछे आप इफेक्ट देखिएगा कि हाँ भाई कैसे आने वाला है इसका इफेक्ट। तो चलिए पीछे से हम पहले ऑन करते हैं इसको, ये हो गया, फिर नीचे वाले को करते हैं, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, और ये हमारा पांचवा हो गया। ये देख सकते हो भाई अमेजिंग सा लग रहा है, मज़ा आ जाएगा आज के इस वीडियो में। चलिए मैं आपको ना बिना टाइम वेस्ट करे बिना बोले इसका देता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स।
फैसिलिटी टेस्ट में कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इन लेजर लाइट्स का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। वाकई में यहाँ पे कुछ गजब का रखा था और मेरे मतलब आप कह लीजिए दूर दूर के जितने भी फ्रेंड्स थे या फिर फॉलोअर्स थे उन्होंने सभी ने मुझे यहाँ पे मैसेज करा कि क्या ये लेजर लाइट्स आपके यहाँ से चल रही है। बिल्कुल यहाँ पे अगेन मजा सा आ गया था इस बारी जो कि मैंने लेजर्स लगाई थी। और अगेन सबसे ज्यादा जो कि मुझे इफेक्ट देखने को मिल रहा था ना वो यहाँ पे 6 वाट का जो ग्रीन वाला पीस है ना, वाकई में मतलब लग रहा था कि कुछ चल रहा है। ये सभी में से मतलब हटके ही इनकी लाइट जो थी ना इस ग्रीन वाले की वो लग रही थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो कि RGB 15 RGB है इसका लग रहा था। अगेन जब आप इसके साथ में यहाँ पे पेंगुलिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो कि बाउंड्रीज हैं वो घट जाएंगी, यानी आपको जो है प्रोग्रामिंग से हट के यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको रन कर सकते हैं, जिसमें आप इसमें अपना नाम लोगो हर एक चीज़ यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हैं। खास करके लिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है जो कि बड़े स्टेज इफेक्ट्स यानी बड़े स्टेज पे इनको लगाते हैं। और बेसिकली इन लेजर लाइट्स को अलग से चार्जेबल जो है वो लिया जाता है, यानी अगर आप DJ सिस्टम यहाँ पे लगा रहे हैं और लेजर लाइट की अगर डिमांड है तो उसका अलग से चार्जेस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि अगर आपको लेजर बिजनेस भी करना है तो यहाँ पे ये सारी लेजर जो है वो काम में आने वाली है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे चार्जेस आपको यहाँ पे इसके साथ में मिल जाता है। सॉफ्टवेयर रनिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि इसके साथ में आप सॉफ्टवेयर भी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं और अपने मन हिसाब से यानी कस्टमर के डिमांड से या फिर कह लीजिए कि अपने हिसाब से इनको रनिंग प्रोग्रामिंग जो है वो दे सकते हैं। तो नीचे मैं एक वीडियो ज़रूर लिंक जो है वो दे देता हूँ, वहाँ पे ये सारे डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे ये बार्स के लिए लॉन्च के लिए हर जगह पे अब ये इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोर में, काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इन सभी का प्राइजेस और डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एक नंबर शोर होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल देता हूँ। और भी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर जाकर आप मालूम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।